आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। छत्र समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने लड़के के अपहरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जानकारी दी। चतरा सदर थाना क्षेत्र के ऊंटा मोड़ से पिंटू वर्मा के अपहरण के मामले को पुलिस ने उद्भेदन 24 घंटे के भीतर कर दिया है। एसपी ऋषभ झा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पिंटू वर्मा काफी लोगों का कर्जदार है और इसी दबाव में खुद ही अपहरण का षड्यंत्र रचकर अपने परिवार वालों से रुपए लेना चाहता था, पर इसके मंसूबों पर चतरा पुलिस ने पानी फेर दिया। अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चतरा चौपारण मुख्य सड़क के 200 मीटर अंदर बारीसाखी गांव से सामान्य हालत में अकेले पिंटू वर्मा पाया। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि छल पूर्वक अपने सगे संबंधी से 15 लाख रुपए लेने के लिए षड्यंत्र रचा था। जिस मोबाइल से सगे संबंधियों को पिंटू मैसेज करता था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और नगद 3800 रुपए भी बरामद किए हैं। चतरा से जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। एक जून को शाम में हमें सूचना मिली थी कि ऊंटा का रहने वाला एक व्यक्ति पिंटू कुमार वर्मा, उसका अपहरण कर लिया गया है। उसके रिश्तेदारों को मैसेज करके बताया गया कि हमारे द्वारा पिंटू कुमार वर्मा का अपहरण कर लिया गया है और कुछ पैसे लेकर के आने को बोला गया। ये मैसेज पिंटू कुमार वर्मा के अपने ही फ़ोन से आया था। उसके बाद लगातार हम उसको ट्रैक कर रहे थे टेक्निकल सर्विलांस और लोकल लोगों के मदद से, और हमारी अलग अलग टीमें उसके गांव के आसपास लगातार सर्च कर रही थी। चेक पॉइंट्स को भी एक्टिवेट किया गया था। लगातार मैसेज आ रहे थे और सारे मैसेज पिंटू कुमार वर्मा के अपने फ़ोन से ही आ रहे थे। इसके बाद टेक्निकल इनपुट और बाकी एविडेंसेस के आधार पर कल करीब शाम 4:30 बजे हमने उसे सकुशल बरामद किया इटखोरी चौपारण रोड पर बारीसाखी गांव के पास से, बिल्कुल हाईवे के बस 200 मीटर अंदर से। जब ये हमने जब इसको बरामद किया तब ये बिल्कुल अकेला था। इसके हाथ पैर भी खुले हुए थे और इसके सर के पास फ़ोन था और ये आराम से वहाँ लेटा हुआ था। हमने उसको तुरंत वहाँ पर मेडिकल एड दिलवाया, उसको हमने खाना और पानी दिया। वो बोल रहा था कि मैं प्यासा हूँ और भूख लगी है, तो हमने उसको खाना और पानी दिया। फिर हम उसको लेकर के सदर थाने आए। उसके बाद हमने उससे पूछताछ किया। उसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ऊंटा मोड़ के पास एक बिहार नंबर के बोलेरो गाड़ी से उसको अपहरण किया गया। उसके बाद उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया, उसके बाद वो बेहोश हो गया। परसों शाम उसको फिर होश आया और फिर उसको एक दो जगह ये जो कथित अपहरण करता है उसको दो तीन जगह घुमाते रहे और फिर कल शाम को वहाँ पर लाके छोड़ दिया जहाँ से हमने उसे बरामद किया। इसको जब हमने काउंटर क्वेश्चन करना शुरू किया, फिर हमने ऊंटा मोड़ के पास का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया, वहाँ पर कोई बिहार नंबर की कोई बोलेरो गाड़ी नहीं पाई गई। वहाँ पे लोकल से पूछताछ किया गया, चूँकि ये बहुत ही आम रास्ता है और वहाँ पे हमेशा खासकर दिन के समय में लोग रहते ही हैं। सबसे पूछताछ किया गया, किसी के द्वारा ये नहीं बताया गया कोई बिहार नंबर की गाड़ी वहाँ पर थी। उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया, कोई क्लोरोफॉर्म का उसके बॉडी में ट्रेस नहीं पाया गया। उसके फ़ोन से जो फोटोज़ भेजा जा रहा था, जो अपने रिलेटिव्स को भेज रहा था, उसके आधार पर भी हमने क्वेश्चन किया। तो एक जो फ़ोटो उसने अपना हाथ पैर बंधा हुआ भेजा है, वो हमने पाया कि वो अपना खुद से वो अपना वीडियो बना रहा था, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो फ़ोटो मतलब एज ए फ़ोटो उसको सेव किया, फिर उसको भेजा उसने। तो ये सारी बातों पर और 2:45 बजे उसने दो रिलेटिव्स को मैसेज किया कि एक को मैसेज किया कि हमें पैसा अब नहीं चाहिए, मतलब अपहरणकर्ताओं की तरफ से, और दूसरे रिलेटिव को मैसेज किया कि जितना भी पैसा बंदोबस्त होंगे वो लेकर के आ जाओ। तो ये सारी बातों को हमने उसको काउंटर किया, टेक्निकल पॉइंट्स पे काउंटर किया। तो फिर वो लास्ट में उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, ये मैंने जानबूझकर स्टेज किया था, अपना अपहरण दिखाया था ताकि कुछ पैसे मिल जाए। इस पूरे प्रकरण में उसने अपने घर वालों से कभी पैसा नहीं मांगा, उसने अपने भाई से, अपने फूफा से, इन लोगों से पैसा मांगा। उसका कहना था कि मुझे भी पता है मेरे घर में पैसा नहीं है, तो जो भी पैसा रिलेटिव से मिल जाए वो उतना मतलब जितना भी मिल जाए वो काफ़ी रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स पे हमने उसको काउंटर किया। लास्ट में उसने एक्सेप्ट किया है कि उसको
कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें थी लॉकडाउन में, वो यहाँ फंसा हुआ था, उसके जो मजदूर गुजरात में हैं वो पेमेंट नहीं कर पाने के कारण हड़ताल पे हैं, तो इस इन सब परेशानियों के कारण उसके दिमाग में ये ख्याल आया, फिर उसने ये पूरा केस रचा। इसके आधार पे सदर थाना में 143/20 केस हमने दर्ज किया है धारा 420 के अंतर्गत, और इसमें पिंटू कुमार वर्मा के अगेंस्ट में हम केस कर रहे हैं। इसके साथ मदद से और हमारी अलग अलग टीमें उसके गांव के आसपास लगातार सर्च कर रही थी, चेक पॉइंट्स को भी एक्टिवेट किया गया था, लगातार मैसेज आ रहे थे और सारे मैसेज पिंटू कुमार वर्मा के अपने फ़ोन से ही आ रहे थे। इसके बाद टेक्निकल इनपुट और बाकी